जय सियाराम, जय हनुमान। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जे विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति कूत, शंभु सरासन तोय सठ करस हमार प्रभूत। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत कूद भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु संतत तूरे, तू छल विनय करस कर जोरे। कर परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाउ बुरामा। तेरा ये भाई तेरी ही संपत्ति से कटु वचन बोलता है, सम्मति से। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करही समर सु दोही, अबंधु सहित ना तो मारो तो ही। भृगुपत बकही कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाए। अरे सुदोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्का रहे हैं। गुनाह लखन कर हम पर रोसू, अकतहु सुधार हूँ ते बड़ दोसू। टेढ़ जान सब बंद ही काऊ, अबक चंद मह ग्रस न राहू। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण और कोद मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा के राहु भी नहीं ग्रस्ता है। राम कहो रिस तजहु मुनीषा, कर कुठार आगे सीसा। जेहि रिस जाए करें सोई स्वामी, मोहि जान्यो आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर को छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है। जिस प्रकार आपका कोद जाए हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुसे दशरथ अजुर बिहारी। प्रभु मैं सेव कहीं समरुकस, तजो विप्रवर रोस। बेस बिलो के कैस कछु बाल कहो न दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, हे ब्राह्मण शेष, कूद का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देकर ही बालकनी कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुठार बान धनुधारी, भय लर कहीं रिस वीर बिचारी। नाम जान मैं तुम्हारे न चीना, बस सुभाय उतरो ते दीना। आपका कुठार बाण और धनुष धारण किए देकर और वीर समझकर बालक को खोद आ गया। वो आपका नाम तो जानता था पर आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुकुल के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जो तुम औत्यह मुन किय नाई, अपद रज सिरस सुधरत गोसाई। क्षमह चूक अनजानत केरी, चाहे विप्र उप्र कृपा घनेरी। यदि आप मुन की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता, अनजाने की धूल को क्षमा कर दीजिए। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए।
ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हें ही सरीवरी कसीना था, कहो न कहाँ चरण कहमा था। राम मात लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परस सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, और नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, अक्षम हो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप सौ क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आसिकता ये नव ग्रह हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं, हे विप्र हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजर बिहारी। बार बार मुन विप्र कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हसी तव बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा, तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा कूद की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही दुज कर जान ही मोही, मैं जस विप्र सुना हूँ तो ही। चाप सुआसर आहुत जानू, कूप मोर अति घोर किसानू। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुआ, बाण को आहुति और मेरे कोद को अत्यंत भयंकर अग्निजान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहिप भय पर पसुआई। मैं यही परसु काट बल दीनी, समर जग जप कूटिन कीनी। चतुरंगी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जला दी, जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पस हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति जाती है, उसी बार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, अबोलस निदर विप्र कै भोरे। धंज हूँ चाप दाप बड़बाड़ा, अहमित मनहु जीत जग उठाढ़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं, इसलिए तू ब्रह्मा के धोखे मेरे निदारा करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इसमें तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुन कहूँ बिचारी, रिसियत बड़ लघु चूक हमारी। छूते टूट पिनाक पुराना, मैं कह हेत करूँ अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका कूद बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूँ। मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजर बिहारी। जो हम निद रहे विप्रवदी, सत्य सुनो भृगुनाथ। तव वसु को जग बुगुट जयी, भय बस ना वही मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नमाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, असम बल अधिक हो बलवाना। जोरन हम ही पचार को, लरहि सुखे निकाल किन हो। देवता दैत राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल से हमारे बराबर हो जाए पर चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरे
समर सकाना अकुल कलंक तहि पावर आना। कहौ सुभाव नकुलहि प्रशंसी अकाल हो डरह नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया उस नीच ने अपने कुल का कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। विप्र बस मैं कै असि प्रभुताई अभय होय जो तुम ही डराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपद के उगरे पटल पर सुधर पति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन लेहू अखिचो मिटे मोर संदेहु। देत चाप आप ही चले गये परशुराम मन विस्मय भयऊ। परम राम ने कहा हे राम, हे लक्ष्मीपद धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपद विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचे जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे तब वो आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। मंगल भवन मंगल हारी तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोर पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री रामचंद्र का प्रभाव जाना जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर बचन बोले प्रेम उनके हृदय में समाता ना था। जय रघुवंश बनज बन भानु गहन दनज कुल दहन कृपानु। कृपानु जय सुर विप्र देन हितकारी जय मद मोह को बमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले आपकी जय हो। हे मद मोह कूद और भ्रम के रहने वाले आपकी जय हो। विनय शील करुणा गुण सागर जयत बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा जय शरीर छब कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद और वचनों की रचना में उत्पन्न चतुर आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले सब अंगों सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले आपकी जय हो। करहूँ काह मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दुभाता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं? महादेव के मन रूपी मान सरोवर के हंस आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं, क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। कहे जय जय रघुकुल के तू अब रघुपत गए बनहि तप हे तू। अप भय कुटिल मही पे डराने जहाँ तह कायर गही पुराने। हे रघुकुल के पता का स्वरूप श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। ये देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कपित डर से रामचंद्र जी तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं भी उनका बल्ला ना ले इस व्यर्थ के डर से डर गए और कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। मंगल भवन अमंगल हारी तब हुस दशरथ अजर बिहारी।